काटना है, चलो केक काटना है। वैसे तुम इतने नाइस हो टोरंटो, व्हाट्स रॉन्ग विद द केक? व्हाट डू आई डू? वेलकम टू अनादर व्लॉग। आज आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। ये लें जी, ये फरहान सैयद की पार्टी हो रही है और बर्थडे पार्टी है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी और पढ़ी थी, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ क्या इसमें से क्या ठीक है या नहीं। पहली बात तो सबसे पहले सब ने कहा जी फरहान सैयद को बर्थडे सरप्राइज़ दिया है हानिया ने। चलें देखते हैं क्या वाकया हानिया ने ही इसे सरप्राइज़ दिया है। इस पूरी पार्टी में आप देखें कहीं पे आपको हानिया नज़र भी आ रही है। ये बोर्ड पे क्रूज़ बुक करवाया गया है जिसके टिकट सेल किए गए हैं, और इसमें वही लोग हैं जिन्होंने टिकट ख़रीदे हैं और फिर उन्हीं ने ही सेलिब्रेट किया पार्टी। इसमें टिकट फर्स्ट क्लास का था, फिर वीआईपी था, और फिर उससे भी कुछ लोअर था, तो कुछ इस तरह का बना है। अच्छा, उसमें इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई, उसके अलावा केक काटा गया जो कि लगता है फरहान सैयद को तो पसंद नहीं आया,
पर सबसे बड़ी बात ये है कि लाने वालों ने तो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत अच्छा बनवा के लाया है, तो चले बरकब देखे। जैसे दूसरी भी वीडियो है उसमें भी हमें देखने को मिला है जी, हानिया आमर से उसकी एंगेजमेंट हो गई है, उसने प्रपोज कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। देखिए व्यूज़ के लिए लोग क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे ऐड लगाते हैं, कैसी कैसी मूवियाँ बनाते हैं। जैसे कि हम अवार्ड में उसने वो स्टेज परफॉर्मेंस जो की थी उसमें साथ वो उसको लेके जा रहा, तो सभी ने लिख के लगाया हुआ कि उसने हानिया अमर को प्रपोज कर दिया है, दोनों की शादी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जैसे कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर नेक्स्ट में ये था कि अभी उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की गई, पर वो किस पे? बोट क्रूज पे। किस लिए? जस्ट एज अ बिजनेस था, क्योंकि टिकट सेल किए गए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। उस पूरी मूवी में देखें कहीं पे हानिया तो नज़र भी नहीं आ रही, तो कह रहे हैं कि हानिया ने उसको बर्थडे पार्टी सरप्राइज़ दी, ये है वो है। देखें व्यूज़ के लिए लोग क्या क्या करते हैं। चलें, मुझे थोड़ी सी अपडेट मिली थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके साथ ऐसी ही नई वीडियो भी शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I'm very proud to be here today with you guys. I love you very much. I will come personally. I'm going to go with you, Mr. Bhakti, some pictures to show you. I'll give questions to the Bhakti Bhuga. And I'll meet each one of you. Don't worry about it. I'll meet you. Thank you. But before we officially begin this journey, I want to thank this team. Been working with them from the day I started here, and I will personally tell you ki itne, you know, down to earth, ye aapki puri team ko yahan pe dekhiye, the entire Lux team, ye jo team hai ye ek khazana hai. Believe it or not, we were going to do Farhan show in November. Let's go jitne bhi tours hone hain, you remember we started here with Jinu in 2019 all the way to